मैंने आपसे कहा भी था कि मैं साथ से मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपने आपने मेरे लिए एक बार भी दुआ नहीं की, कभी भी साथ नहीं दिया। लो भाई आमित मियां, देख लो अपनी बेटी को, मुझे तो लग रहा है कि शादी के बाद ये मुझे खिला खिला के ये मोटा कर देगी। नहीं होते आप मोटे बाबू। दादाजी को तंग कर रहे हो ना? बस ये बच्चे आपको तंग तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो घर की रौनक है, इनकी वजह से तो मेरा दिल लगा हुआ है। पूर के जाने के बाद तो ये घर खाने को दौड़ने लगा है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेटियां तो वैसे ही घर की रौनक होती है, ऐसा मेरे अब्बू भी कहा करते थे। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारा वो कदम गलत था, लेकिन तुम्हें एक बार अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी, जाना चाहिए था एक बार उनके पास, हो सकता है वो माफ कर देते। कैसे मिलने जाते हैं उनसे? शौकत का रवैया तो आपके सामने था ना पाजी, मैं साल अपने माँ बाप के बगैर कैसे गुजारे हैं मैंने, इस दर्द को सिर्फ मैं ही समझ सकती। सही कह रही हो बेटा, लेकिन वो वक्त तो गुजर गया, एक बार फिर कोशिश करके देख लो। हाँ, इन बच्चों को भी साथ ले जाना। इससे क्या होगा पाजी, मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम नहीं जानती बेटा, असल से सूद प्यारा होता है, ये पोते पोतियां नवासा नवासियां दादा दादी नाना नानी के लिए औलाद से ज्यादा प्यारे होते हैं। उनका मतलब है कि अगर मैं इनको लेके जाऊंगी तो अब्बू मान जाएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। अल्लाह करे कैसा हो जाए, तो मैं तरस गया अपने अम्मी अब्बू को देखने के लिए। इंशाल्लाह बेटा ऐसा ही होगा। यार इस रक्त में क्या है आखिर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इससे बाज़ुकात इतना खौफ आता है मुझे। ऐसे लगता है जैसे इस पर किसी बुरी रूह ने कब्जा कर रखा है। हाँ हो भी सकता है, मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार बानों को यहीं उल्टे सीधे अमल करते देखा है, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही हर बार किसी ना किसी बहाने से मुझे झूठा बना ही देती है। और देखें दादी, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी इसने टिकट करवा ली। हम आपकी जिद जरूर मानते हैं, लेकिन हमारे अम्मी अबू भी बहुत उदास हो गए हैं हमारे बगैर, और उनके बहुत इसरार करने पर हमें मजबूरन टिकट करवाना पड़ा। हाँ ठीक कह रही हो, वैसे तुम्हें काफी दिन भी तो हो गए यहाँ पर, तुम्हें याद कर रहे होंगे वो लोग, उदास हो गए होंगे। पता है मेरे अब्बा जी भी दो दिन मुझसे ना मिले ना उदास हो जाते हैं। हम तुमको कब मना किए हैं, तुम्हारे अब्बा जी का घर तो यही रहा, दौड़ के जाओ दौड़ के आ जाओ, हम तो मना ना किए हैं ना तुमको कभी। अस्सलाम वालेकुम। हेरी नूर, तुम दोनों आ गई। नो
देव ने मुझे जैसे ही कहा तुम्हारे घर जाना है मैं जल्दी से तैयार हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक। आ जाओ ना बैठो। क्या बात है साका जी, आप इतने पुरस्कार तरीके से मुझे क्यों देख रहे हैं? पुरस्कार तो आप हो रहे हैं मदनी साहब। शदीद किस्म की बदगुमानी है आपको मेरी तरफ से। मैं तो एक खुली किताब की तरह हूँ। जी हाँ, आप एक ऐसी खुली किताब हैं अहमद अली साहब कि पढ़ने वाले को अंदाजा ही नहीं होता आखिरी वक्त तक कि नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है। कमाल है साहिब, कभी तो मेरी तरफ से अपने दिल को साफ कर दिया। हमेशा बदगुमान रहती हैं आप मुझसे। तो आप खत्म कर दीजिए ना ये बदगुमानी। हमेशा आप जुमानी बातें करके ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई करते रहते हैं। अच्छा बाबा माफ कर दे। और मुझे बताएं कि इन तमाम सवालात का आखिर मकसद क्या है? बताना तो आपको चाहिए मुझे। सुना है कि आज फिर आप अपने भाई के घर की ज्यारत करके आए। भाई के यहाँ जाना कोई जुर्म है क्या? आप भी तो जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ, अपने मिलने मिलाने वालों के यहाँ। मैंने तो कभी कोई इतराज नहीं किया। आप इतराज कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं चोरी छुपे नहीं जाती हूँ। और आप क्यों इतना बिगड़ रहे हैं? एक सादा सा सवाल किया मैंने आपसे, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए, मैं मजीद कुछ नहीं पूछूंगा। गया था मैं आवाज किया उसे सिर्फ ये बताने के लिए कि अगले संडे को हम मंगनी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। क्या? नेक्स्ट संडे? लेकिन संडे का दिन फिक्स है। और अपने बेटे की खुशी के लिए आपको भी साथ चलना पड़ेगा वरना आपके बेटे का दिन टूट जाएगा। कितनी बार कहा मत किया करो ऐसी शरारतें, लेकिन तुम बाज नहीं आते। अगर तुम्हारी वजह से तीफे को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। कहा था ना वो मेरा शौहर है और तुम मेरे गुलाम। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो सख्त सजा दूंगी मैं। तीफे
तकलीफ है? क्या हुआ? क्या हुआ तीफे? आप लोगों ने तकल्लुफ ही किया इंतहाइफ का। उसमें तकल्लुफ की क्या बात है, तोहफे देने से तो प्यार बढ़ता है ना, और ये तो सुन्नत भी है। इसीलिए तो मैं इन दोनों से जबरदस्ती तोहफे लेती हूँ ताकि मेरी मोहब्बत इनके दिल और गुर्दे में रज बस जाए। नशाबा ये लो। ऐसे क्या देख रही हो? स्पेशल काशी से बोल के मंगवाया है तुम्हारे लिए। हम आप सबकी मोहब्बतें याद रखेंगे। आपको पता है पहले मुझे सिर्फ दादी से बिछड़ने का गम था, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे बहुत याद आया करेगी आप लोगों की। फिर न जाने कब मुलाकात होगी। ऐसे क्यों कह रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। और क्या, और वैसे भी हैदराबाद इतना दूर थोड़ी है, यूं पहुंच जाएंगे। हाँ ये तो है, सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव है। तो बस फिर आप लोग हमारे घर जरूर आइएगा, और हूँ तो वैसे भी काशी और दादी के साथ आ जाएगी। आप दोनों ने जरूर आना है, मैं आप लोग को हैदराबाद की सैर करवाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ जरूर। मिली, मिली, भाई क्या बदतमीजी है यार, मुझे डरा दिया इतनी बुरी तरह आपने। क्या हो गया, मैं कुछ जिन हूँ जो तुम डर गई हो? जिन भूत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई सामने आ जाए तो इंसान डर जाता है ना। अच्छा जी, अगली बार मैं पूछ के आऊंगा आपके सामने, सॉरी। भाई एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो। आप परी को कब से पसंद करते हैं? मेरा मतलब है कि अमेरिका जाने से पहले या वापस आने के बाद आपको फील हुआ? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने। सच पूछो तो मैं खुद नहीं जानता कि कब से। हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जब भी जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा तो परी को इमेजिन किया। बचपन से खेलना कूदना, हंसना रोना, खाना पीना सब उसी के साथ किया। तो बस यूं समझ लो कि तब से ही मेरी दुनिया परी से ही शुरू होती थी और उसी पर खत्म होती। तो वो हूर और नूर, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो दोनों परी की बेस्ट फ्रेंड्स थी, और जब हमने इतना टाइम स्पेंड किया साथ में तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड बन गई, पता ही नहीं चला। अच्छा भाई, आपकी फीलिंग्स तो बहुत डीप है। अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं बहुत पहले से आपका साथ देती। इट्स ओके, तुम अब मेरा साथ दे रही हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। बताऊं यार, जब से काशी से शादी हुई है ना, ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी रुक गई है। कुछ समझ नहीं आता यार, कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है हूर, सब किस्मत के खेल। और अगर कोई चीज हमारी मुकद्दर में, तो भले वो हमसे मीलों दूर क्यों ना, हमारी जिंदगी में आके ही रहती। पर पता नहीं आज तक मुझे क्यों लगता है कि फादी के साथ जरूर कोई ना कोई मसला हुआ होगा, तभी वो नहीं पहुंचा वक्त पर। मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुझे धोखा दे सकता है। अच्छा अगर कोई मुश्किल पेश आ गई थी तो बाद में आ जाता, अगर इतना ही सच्चा था तो अगले दिन आ जाता या उससे अगले दिन आ जाता, लेकिन वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। भला इतने बड़े शहर में कौन ढूंढेगा उसे? हूर,
तुम्हें उसके असल घर का नहीं पता? असली घर का मतलब? उसका अपना घर, उसके माँ बाप का घर। वो तो रेंट का अपार्टमेंट था ना, कभी तुमने उसके अपने घर के बारे में नहीं पूछा? नहीं यार, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मैं उसको हर चीज सच सच बताती थी, तो मुझे भी यही लगता है कि वो भी मुझे हर बात सच ही बताता होगा ना। मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे। छोड़ो यार, साथ कहाँ है उसकी सुनाओ मुझे, वो क्यों नहीं आया? उससे पता नहीं था, ये तो हमारा अचानक प्लान बना है यहाँ पर आने का, इसलिए हम भागे चले आए। हाँ, और वैसे भी वो लोग इतवार को आ रहे हैं हमारी तरह। ताई अम्मी ने हमारी मंगनी की डेट फिक्स कर दी है। बस इसी खुशी में सबको दावत पे बुलाया। सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी बता तो रही हूँ, अभी सब कुछ तय हुआ ना। मैं बहुत खुश हुई हूँ सुनके। साथ को तो मैं बताऊँ, मैं उसे हर बार बताती हूँ और उसे मुझे फोन तक नहीं किया। तुम्हारे साथ लगता है सब भी ऐसा करते हैं, तुम सब बता देती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बताता। वैसे मैं नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं ओवर रिएक्ट कर रही हो। रात को डिनर टेबल पर भी तुमने जानबूझ के साध और परी की मंगनी का शोशा छोड़ा। तो इसमें हर्ज क्या है? आपको अपनी बीबी जान पे इतना कॉन्फिडेंस है तो होने दें कुछ भी। एट द एंड तो आपकी ही जीत होनी। जीतूंगी तो मैं, ये मेरी बात याद रखना तुम। और हाँ, उस बिलाल के लिए जो तुम अहमद और साद की गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रही हो ना, उसे मैं ज्यादा देर चलने नहीं दूंगी, ये भी याद रखना। मामा, शायद आप भूल रही हैं कि मैं भी आपकी ही बेटी हूं, मेरा ब्रॉट अप भी आपने ही किया। अगर आप मेरी गेम उल्टेंगी तो सीधी तो मैं आपकी भी नहीं रहने दूंगी। तुम उस लड़के के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाओगी? मैं सामने नहीं खड़ी हो रही थी, आप जबरदस्ती मुझे अपने सामने। बिली, मैंने सबसे ज्यादा तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरे ट्रस्ट को तोड़ा बल्कि तुम में तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरे ही सामने खड़े होकर मुझे को धमकियां देने लगी है। देख लूंगी मैं तुम्हें और बता दूंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। ताई अम्मी ने हमारी मंगनी की डेट फिक्स कर दी है। बस इसी खुशी में सबको दावत पे बुलाया। Thank you.
मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका बानू को अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये मानेगी कभी नहीं। इतना तो मैं जान चुका, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस बला से जान कैसे छुड़ाऊं। अब तो इस पर हाथ उठाते हुए भी डर खौफ आता है कि कहीं उसके मुक्कल मेरी जान ही ना ले ले। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन मेरी बात शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगी। ऐसी सजा के तुम अपनी मनमानी करना भूल जाओगे। ठीक है, अगर मुझसे वादा करते हो कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे तो एक मौका और देती, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम मेरा काम करोगे। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे उस कब्र की मिट्टी चाहिए जिस कब्र में से फजीलत 5 साल पुरानी खोपड़ी लेकर आई थी। और यह काम तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानती। मुझे हर हाल में कल वो मिट्टी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मेरा अमल जाया हो जाएगा। और तुम जानते हो ना, मेरा अमल जाया हुआ तो क्या होगा। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है हूर, सब किस्मत के खेल। और अगर कोई चीज हमारे मुकद्दर में तो भले वो हमसे मीलों दूर क्यों ना हो, हमारी जिंदगी में आके ही रहती है। ठीक कहा था परी, लेकिन मैं तो हूर थी, हूर जो अपनी जन्नत इसी दुनिया में बनाने चली थी। शायद मेरे इसी गुरूर की सजा मिली है मुझे। लेकिन काशी जैसे मासूम इंसान को किस जुर्म की सजा मिल रही है? इसने तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पाली थी, फिर ये मेरे साथ क्यों बांध दिया गया? ये गुर भी हमें काशी जी ने ही सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। और जो खुशी महबूब को खुश देखकर हासिल होती है ना, उसका तो कोई बदल ही नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है भला? मुझे तो फादी से ऐसी मोहब्बत ना हुई। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि वो मेरी खुशी में खुश हो, मैं जो कहूँ बस वो ही करे।
और शायद वो भी मुझसे यही चाहता था, इसीलिए, शायद इसीलिए। उर्जी, आप इतनी रात तक जाग रही, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? काशी, मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत, मोहब्बत तो अल्लाह का खास तोहफा हुआ है उर्जी। तो फिर इतना सस्ता क्यों, जो आसानी से किसी को भी मिल जाता है? नहीं उर्जी, सबको इतनी आसानी से कहाँ मिल पावे, ये तो अल्लाह के चंद खास बंदे हो गए जिनके खास दिलों पर ही उतरे। तो ये गली गली मोहब्बत के खेल खेलते लोग, वो क्या है? क्या वो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं करते? आपको क्या लगे उर्जी, आप बतावे, क्या उनकी मोहब्बत में इतनी सच्चाई, इतनी ताकत होवे कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रखते हैं? देख तो रही हूं, मगर इस मोहब्बत पर यकीन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी यकीन आवेगा भी, क्योंकि अभी इसके इम्तिहान और भी। रात काफी हो चुकी है उर्जी, आप सो जाओ, कल ना साबा जी को स्टेशन भी तो छोड़ने जावे हैं। कह रही हूँ, खुद ही तो कहा था आपने घर का कोना कोना चमकाना है, जाले उतार कर आ रही हूँ अम्मा, ऐसा लग रहा है घर में ताई अम्मा नहीं किसी मुल्क की ना मलिका आ रही है। अरे बेटा, जब बेटियों के ससुराल वाले आ रहे हो ना हम जैसे गरीबों के घर, तो यही लगता है कि मलका आलिया या बादशाह वक्त आ रहे हैं। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप इतना घबरा क्यों रही है, ऐसे लग रहा है कोई गैर आ रहा है। चले गैर आ रहा होता तो समझ भी आता, लेकिन वही हमारे ताया था और उनकी आल औलाद, ना घबराने की क्या जरूरत है? सुबह से ना आपने काम करवा करवा के मेरी कमर में दर्द कर दिए और बेचारे बाबा बाजार के चक्कर लगा लगा के बेचारे तंग आ गए। यकीन माने घर में सिर्फ ना व्हाइट वॉश होना रह गया, आपका बस चलता तो वो भी करवा लेते। अरे बेटा, अगर तुम्हारे ससुराली कोई गैर होते ना तो मैं कभी भी इतना तरद्दुद ना करती, लेकिन वो साइका बेगम की ऊंची नाक का ख्याल आ जाता है, उसकी वजह से तो ना मेरी हिम्मत पस्त होने लग जाती है। अम्मा जाने दे ताई की ऊंची नाक, अल्लाह मालिक है ना, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, आप बस अपने ना आसाब पे काबू रखें। ये फजीलत जी, ये सामान मैं ले आया हूँ, अब देख लो कि पूरा है कि नहीं है। हाँ भाई, अब दोनों बाप बेटे यहाँ ना खोलने लग जाएं, किचन में जाएं, वहाँ पे चेक करें, ये बता देगी क्या काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हैं? बीबी जान की कार, अल्लाह खैर करे कोई गड़बड़ ना हो गई हो। जी अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। अच्छा दादी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें आप सबके साथ बहुत मजा आया, और हमने आपके काशी जी को बहुत तंग किया ना,
उसके लिए हम माफी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। क्यों हो जी, हमने ठीक कहा ना? बिल्कुल सही। अरे बाबा, हमको भी आपके साथ बहुत मजा आया। हमरा तो जीना चाह रहा है कि आपको जाने दे, पर क्या करें, वो मुनीबा बहू जो है ना, वो तो हमको चैन ही नहीं लेने दे रही है। हम चाहते थे कि आपको अकेले ना जाने दे, हम खुद आपको हैदराबाद छोड़ के, पर क्या करें, जा ना सकते हैं। दादी, हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ आपकी मोहब्बत भरी यादें हैं, और फिर वो मुसाफिरों से भरी गाड़ी भी तो होगी। चलिए नुसाबा जी, आपकी टैक्सी आ गई है, लाइए ये सामान हमको दे दीजिए, और जल्दी कीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। आ जाए। चलिए, अल्लाह के हवाले। अरे आप इतना उदास क्यों हो रही? मैं हूं ना आपके पास। बीबीजान, वो कुछ मत कहो, सब जानते। अगर आप सब कुछ जानती हैं, तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रही? वहां साध और परी की मंगनी की तारीख भी तय हो गई, और आप? तारीख तय हुई, मंगनी हुई तो नहीं। आप इसी तरह मुझे नारे दे रही हैं, सब कुछ जानते बूझते भी आप कुछ नहीं कर रहे। आप अच्छी तरह जानती हैं कि साथ का नाम मैं मजाक में भी किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। कम से कम आप तो समझने की कोशिश करें। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। ये लो, एक तावीज किसी भी तरह परी को खिला पिला दे रहा, और दूसरा तावीज उसके पाए के नीचे दबा दे, फिर तमाशा देखो। सानी, सानिया रहेगी यार? आ गए आप? ये यार पानी तो ले आओ प्लीज। अच्छा मैं अभी बात करूं। गर्मी है बारे में, इतनी खामोशी, बच्चे कहाँ हैं? बजी कहाँ है? बच्चे पार्क जाने की बहुत जिद कर रहे थे, तो अब्बा जी उन्हें घुमाने लेके गए। बैठो। कल से देख रहा हूँ खामोश खामोश, क्या हुआ? असल में बात यह है कि कल अब्बा जी कह रहे थे अगर हम बच्चों को उनके नाना नानी से मिलवा देते हैं तो शायद वो मुझे माफ भी कर देंगे और बच्चों से मिल भी लेंगे। कह तो ठीक रहे हैं अम्बा जी, चलो तुम परेशान मत हो, सोचता हूँ कुछ इस बारे में। शौकत, अम्मी अब्बू को मनाने में आप मेरा साथ तो देंगे ना?
जो मेरे से हो सकेगा वो मैं लाजमी करूंगा। अब खुश? हाँ चल, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, काम पे जाना। अभी ला। बीबी जान जी, आप क्या कह रही हैं? भला ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं ना मैंने ये काम छोड़ दिया। अगर तुम अपनी बेटी के सर से मुसीबत के साए टालना चाहती हो तो ये अमल करना पड़ेगा। कैसे करूंगी? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मैं अपनी बेटी को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। आप बताएं मुझे क्या करना है। इसे जाके किसी नौजवान लड़की की कब्र के सरहाने दबा देना। ऐसी लड़की जिसकी शादी में चंद दिन रह गए थे और वो इत्तेफाक से मर गई। किन सोचों में गुम हो फजीलत? अपनी बेटी की खुशी चाहती हो तो दबा दो। चांद की आखिरी तारीख में ये अमल करना। मुझसे शिकवा मत करना कि खतरा सर पे था और मैंने आगाह नहीं की।